Hello students, so root is over and now we shall be studying general structure and functions of the stem और फिर इसके बाद stem के modifications, aerial, underground, subaerial, stem के functions and then अलग अलग type के leaf तक हम लोग पहुँचेंगे। कोशिश ये करेंगे कि एग्जाम्पल्स सिर्फ टेक्स्ट बुक के याद रहे। जब मैं स्टेम के जनरल स्ट्रक्चर पे, जनरल अकाउंट पे फोकस करता हूँ तो ये बात याद रखिए कि स्टेम इज जनरली द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। अब यहाँ मैंने ये बोला है कि इट इज़ जनरली असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, इसका मतलब ये है कि स्टेम ये अंडरग्राउंड भी होता है, सबेरियल भी होता है, बराबर। दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से डेवलप हुआ, बराबर, एंड ग्रोज बाय द मींस ऑफ टर्मिनल बर्ड। ये एक चार मार्क का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहां पे कि स्टेम की ग्रोथ जो है वो कौन से बर्ड से होगी। और स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इट शोज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स ओवर इट्स सरफेस। ये देखिए, यहां मोनोकॉट स्टेम अगर मैं बनाता हूं लाइक दिस, तो ये मुझे नोड्स मिल रहे हैं और ये इंटर नोड मिल रहा है। स्टेम कैसा है? कॉमनली वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पूल एंड अवे फ्रॉम वॉटर सोर्स, दैट इज निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। स्टेम ये एकदम अजीब किस्म का अलग पार्ट, क्यों? इट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड रिफ्लेक्ट एज हेटरोजिनस सिस्टम, पार्ट ऑफ अ हेटरोजिनस सिस्टम। इट शोज लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड ऑल्सो द बर्ड्स। जैसे रूट पे रूट हेयर होता है, वैसे ही स्टेम पे भी हेयर होते हैं और वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं और उन्हें टर्म दिया जाता है ट्राइकोम, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कहां, एनाटॉमी में। स्टेम की जितनी ब्रांचेस है, दे आर ऑल एक्सोजिनस इन ओरिजिन, दैट इज फ्रॉम द सरफेस मेरिस्टेम इन द कॉर्टेक्स। रूट की पेरिसाइकल से डेवलप हो रही थी, हमने पढ़ा था। द पार्ट ऑफ स्टेम विच बेयर्स लीफ, विच शोज प्रेजेंस ऑफ लीफ, उसको शूट बोलते हैं। यंग स्टेम्स आर ऑलवेज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक एंड हर्बेशियस। हर्बेशियस का यहां मैं अल्टरनेट वर्ड तो नहीं दूंगा, उसका मीनिंग बता देता हूं, प्लायबल, दैट कैन बी इजीली कट इनटू पीसेस। जैसे जैसे प्लांट का स्टेम मैच्योर होते जाता है, इट बिकम्स वूडी, डार्क ब्राउन लेटर ऑन, और उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो निकल जाती है। अब ऐसे स्टेम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे यहां हम लोग फोकस करेंगे। तो पहला पार्ट वही है, बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बट स्टेम का बेनिफिट क्या होता है कि वो अपने पार्ट्स को बेटर टाइप में एक्सपोज करवाता है टू एक्सटर्नल कंडीशन, सो दैट वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। रूट ये प्लांट का एब्जॉर्बिंग एंड होता है, रूट ये प्लांट का एब्जॉर्बिंग एंड है, और स्टेम और उसके पार्ट्स ये रिसीविंग एंड होते हैं, और इसलिए एब्जॉर्बिंग एंड से रिसीविंग एंड तक मटेरियल को पहुंचाने का काम जो है वो भी स्टेम का है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स, टाइम टू टाइम वेयर एंड टीयर को मैनेज करना, नए सेल्स को ऐड करते रहना वेरियस ऑर्गन्स में ताकि उनका फंक्शनिंग चलता रहे। फूड का स्टोरेज, शुगर का स्टोरेज, शुगर का स्टोरेज बोला तो शुगर केन आएगा। जितने सारे सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर स्टोरेज का काम भी स्टेम करता है। एरेनकाइमेटस टिश्यू डेवलप करके वो प्लांट को बायंसी देता है ताकि प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट वो फ्लोट हो सके।
एडवर्स कंडीशन में पेरिनेट करने की एबिलिटी भी स्टेम देता है। थॉर्न के डेवलपमेंट के थ्रू वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करता है, एडिशनल सपोर्ट देता है टेंड्रिल के फॉर्म में जब मॉडिफाइड होगा तब। और फ्लावर, ये तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि फ्लावर की डेफिनेशन ही हम लोगों ने पढ़ी है 10th क्लास में और उसके बाद में भी, कि हाईली मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट मीन फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट कैन बी प्रूव्ड एनाटॉमिकली। और इसलिए रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेम ने फ्लावर डेवलप करना इज अ रिमार्केबल फीचर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। अब इतने सारे फंक्शंस के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हमें समझना है वो बर्ड्स का है, बराबर। स्टेम पे हम लोगों को बर्ड्स की डेवलपमेंट मिलती है। यू कैन सी द टू स्ट्रक्चर्स, एक तो आपके पहचान का है पत्ता गोभी, कैबेज, बराबर। बर्ड्स को या बर्ड को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन बर्ड? कंडेंस्ड, बराबर, बर्ड इज कंडेंस्ड, इमैच्योर, बर्ड इज कंडेंस्ड, इमैच्योर और एम्ब्रियोनिक शूट। Having a growing point, डायग्राम या इमेज में दिख रहा है आपको, ये बर्ड है बेटा, कंडेंस्ड लीव्स है इसके, कवर्ड है, ये स्टेम का पार्ट है, ग्रोइंग पॉइंट, बराबर। कैसा ग्रोइंग पॉइंट? सराउंडेड बाय closely placed immature leaves, closely placed immature leaves, most important part। इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा, ये नहीं आता एग्जाम में, बर्ड का डेफिनेशन नहीं आएगा आपको कभी एमसीक्यू पैटर्न में, ये बात याद रहे, एक आध लाइन में उसको डिस्कस किया जा सकता है। दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड, लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड इन द वर्ल्ड। जानबूझ के नाम नहीं लिखा, बट अभी हम लोग बोल सकते कैबेज जो है वो लार्जेस्ट बर्ड को रिप्रेजेंट करता है, बराबर, पत्ता गोभी। अब ऐसे बर्ड के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स की बर्ड होती है, यह भी हमें समझना जरूरी है। जब मैं बर्ड के क्लासिफिकेशन पे आता हूं तो मुझे तीन टाइप्स, चार टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया मिलते हैं, बराबर। अकॉर्डिंग टू नेचर अगर मैं उन्हें क्लासिफाई करूं तो पहला मेरा टाइप जो है वो वेजिटेटिव बर्ड का है। ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती है क्या डेवलप करती है? फॉर्म ओनली लीफी शूट्स, सिर्फ लीफी शूट्स को डेवलप करेगी, बराबर। जो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होती है जिन्हें फ्लोरल बर्ड बोला गया है, दे विल डेवलप फ्लावर ओनली। और जो मिक्स बर्ड होती है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर सकती है, डेवलप कर सकती है। फिर क्राइटेरिया आता है टाइप्स ऑफ बर्ड्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ये बर्ड दो टाइप की हो गई, एक टर्मिनल यानी अपाइकल जो अपेक्स पे बनी, देखिए ये स्टेम है, इस स्टेम के अपेक्स पे जो बनी वो टर्मिनल बर्ड या अपाइकल बर्ड जो प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ को करवाते रहेगी। और दूसरा जो है वो कौन सा बर्ड है? वो लैटरल है, साइड पे डेवलप हुई स्टेम पे, बराबर। जब अपाइकल बर्ड
अगर टर्मिनेट हो गई, बराबर, अपाइकल बड इफ टर्मिनेट्स इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तब लैटरल बड विल कम इनटू एक्शन एंड कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट पार्ट और स्टेम। ऐसी जो लैटरल बड है वो चार टाइप्स की होती है, बराबर। एक को मैं बोलता हूं एक्सिलरी बड। अब देखिए ये स्टेम है, बराबर, और इस स्टेम पे ये डेवलप हुआ लीफ, ओके। एंगल मेड बाय द पिटियोल ऑफ लीफ विद द मेन स्टेम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिल ऑफ लीफ। मैंने टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह समझाया है। और इस एक्सिल में जो डेवलप हुआ वो एक्सिलरी बड, बराबर। दूसरी जो बड होती है वो एसेसरी बड है, एडिशनल एसेसरी, एडिशनल बड। कहां डेवलप होगी? डेवलप्स आइदर ऑन द साइड्स ऑफ एक्सिलरी बड और अबो द एक्सिलरी बड। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट। या तो भाई ये जो बड है, यहां इसको अलग कलर से बनाते, ये एक्सिल में अगर डेवलप हुई तो एक्सिलरी, इसके ऊपर डेवलप हुई, जैसे यहां बना देते, ये लीफ का पिटियोल था, ये एक्सिलरी बड है, इसके ऊपर डेवलप हुई तो वो एसेसरी हो गई, या फिर साइड में डेवलप हुई इधर तो वो भी एसेसरी हो गई, बराबर। यानी नोड पे डेवलप नहीं होती। जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड है, ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड कहां? तो ये स्टेम हो गया, बराबर। इस स्टेम पे, ये नोड के पार्ट पे लीफ की डेवलपमेंट हुई, क्लियर। यहां अगर डेवलप होती तो एक्सिलरी है, बट एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड जो है वो यहां डेवलप हुई, ये पोजीशन पे अगर बड डेवलप होती है तो वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी हो गई। फोर्थ टाइप जो मुझे यहां मिलता है वो कौन सा है? तो एडवेंटिशियस बड्स, बराबर। ये कहां बनेगी? फॉर्म्ड ऑन द प्लेसेस अदर देन नोड, उन्हें एडवेंटिशियस बोला जाएगा। मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ऐसी जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है उनके भी तीन टाइप्स है। जब वो लीफ पे डेवलप हुई है मैंने उसे बोला है फोलियर बर्ड, बराबर। ये सेंटर का डायग्राम अपने पहचान का है, ब्रायोफिलम है, उसके ऊपर वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप होती है, और ये बिगोनिया है। लीफ पे बर्ड की डेवलपमेंट हुई है, देखो एडवेंटिशियस बर्ड की डेवलपमेंट हुई। जब ये बड रूट पे डेवलप होगी, अब ये आइपोमिया बटाटास है, यानी स्वीट पोटैटो, रूट्स के वीडियोस में आपने देखा है, उसके ऊपर भी एडवेंटिशियस बर्ड की डेवलपमेंट होती है जो आगे चल के नए प्लांट में डेवलप होते हैं। इन बर्ड्स को मैं रेडिकल बर्ड्स बोलता हूं। दालबर्जिया सिसु, शीशम की लकड़ी, उसके अंदर भी होता है, बराबर। और कॉलिन बर्ड, ये कहां डेवलप होती है? इट डेवलप्स ऑन द स्टेम डायरेक्टली। एग्जाम्पल लगेगा, एग्जाम्पल इज जैक फ्रूट, फणस, कटहल, बराबर। उसमें हम लोगों को कॉलिन बर्ड मिलती है,
बर्ड्स एक्टिव हो सकती है, डोरमेंट हो सकती है, कवर्ड हो सकती है, नेकेड हो सकती है, फ्लेशी हो सकती है। सेवरल टाइप्स उनके अलग अलग क्राइटेरिया पे मिलते हैं, बराबर। ऐसे सारे पार्ट में मैं सिर्फ दो चीजों पे फाइनली बात कर रहा हूं, फ्लेशी बर्ड, क्योंकि ये आएगा मॉडिफिकेशन बन के आएगा इसलिए, और उसे हम लोग बोलेंगे बल्बिल, और एक नया पार्ट और वो है ट्यूरियन, बराबर। ये हमें कहाँ मिलता है? ये हम लोगों को मिलता है यूट्रिक्युलेरिया में, बराबर। और ये पेरिनेशन में हेल्प करता है एक्वेटिक प्लांट्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। With this, the general structure of stem, its characters, functions, and the various kinds of birds we have discussed in this video. अगले वीडियो में स्टेम के अलग अलग मॉडिफिकेशंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।